नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर करता हूँ स्वागत हमारे इस YouTube चैनल में। और आज एक और मैच है, सैटरडे सुपर सैटरडे का सेकंड मैच आज होने वाला है मुंबई और पंजाब के बीचों बीच वानखेड़े के स्टेडियम में। ये मुकाबला होने वाला है शाम को 7:30 बजे। जानेंगे इस वीडियो में कि कौन जीत सकता है मैच, टॉस कौन जीत सकता है, और साथ ही दोस्तों मैच कैसा होगा, टॉप परफॉर्मर कौन होगी, पिच रिपोर्ट क्या होगी, सारा प्रिडिक्शन छोटे से इस वीडियो में जानने वाले हैं एक्यूरेसी के साथ। पिछले लगातार मैचेस पास दिया हूं, पूरी वीडियो में आप जाके चेक कर सकते हो, लगातार मैचेस हमारे पास हो रहे हैं। और दोस्तों यदि आप टेलीग्राम पे नहीं हो तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम को फटाफट जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। पहला काम यही करिए कि टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। जो टेलीग्राम पर रहेगा उसको इसी मैच में जैकपॉट मिलेगा, इसी मैच में एंट्री मिलेगी, इसी मैच की टीम 11 टीम मिलेगी, इसी मैच में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा टेलीग्राम पर रहोगे तो। और हाँ, टोनी भाई से कॉन्टैक्ट नहीं किए हो तो टोनी भाई का नंबर दिख रहा है स्क्रीन पर, व्हाट्सएप के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन प्रिडिक्शन प्रोवाइड करते हैं आपको और सारा लॉस कवर कर देते हैं। तो फटाफट जाइए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, टोनी भाई से भी कॉन्टैक्ट कर लीजिए, इनका नंबर दिखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शनिवार सुपर सैटरडे और सुपर दिन आज का शनि स्वामी है, 22 अप्रैल आज की तारीख है। मुंबई इंडियंस का स्वामी सूर्य पॉजिटिव पॉइंट मुंबई इंडियंस को, पंजाब का स्वामी बुध पॉजिटिव पॉइंट पंजाब को भी। अब कैप्टन्स की बारी, रोहित शर्मा का शुक्र स्वामी है तो पॉजिटिव पॉइंट जाएगा, बट पंजाब का कैप्टन चेंज है, ठीक है, सैम करन कप्तानी करेंगे। सैम करन या शिखर धवन, दोनों का यदि बात करते तो दोनों का स्वामी शनि ही है तो दोनों को जाएगा पॉजिटिव पॉइंट। अब यदि बात करते हैं टॉस विनर की, तो मेरे अकॉर्डिंग इस मुकाबले में आपको पंजाब की टीम टॉस जीतते हुए दिखाई दे सकती है, ठीक है, पंजाब की टीम टॉस को जीत सकती है। न्यूमरोलॉजी की थोड़ी बात कर लेता हूं, आज का लकी नंबर 4 है, मुंबई इंडियंस का लकी नंबर 2, पंजाब का लकी नंबर 1, तो लकी नंबर का पॉजिटिव पॉइंट मुंबई इंडियंस को जाएगा। यदि बात करते हैं कैप्टन के लकी नंबर की, रोहित शर्मा का 3 है तो शिखर धवन का 5 है, और मेरे अकॉर्डिंग इसमें दोनों को न्यूट्रल पॉइंट जाने वाला है, तो यहाँ पे नो पॉजिटिव नो नेगेटिव। बट फिर भी यदि बात करते हैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो ये थोड़ा सा स्लाइडली छोटा सा पॉजिटिव पॉइंट मुंबई इंडियंस की तरफ पलटा हुआ है। मुंबई के वानखेड़े के स्टेडियम की पिच की बात करते हैं, वानखेड़े में बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड दोनों ही टीमें जीतने के चांस रहते हैं, बट मैचेस हाई स्कोरिंग होते हैं, 167 का एवरेज स्कोर है, मतलब कि आज 180-190 स्कोर बनने वाले हैं। मुकाबले में ग्राउंड छोटा है और यहाँ पे हाईएस्ट टारगेट 235 का है और 198 यहाँ पे ऑलरेडी चेस हो चुके हैं। तो यहाँ पे दोस्तों काफी अच्छा मैच और काफी हाई स्कोरिंग मैच आपको देखने को मिलेगा, स्पेशली अगर मुंबई बैटिंग फर्स्ट करती है तो। यदि बात करते हैं हेड टू हेड दोनों ही टीमों के बीच 29 मैचेस हुए हैं, 29 में से 15 मैच जीती है मुंबई तो 14 में जीत मिली है पंजाब को। और रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करते हैं मुंबई का परफॉर्मेंस और पंजाब का, मुंबई का तो ठीक ही है बट पंजाब पिछले मैच हार के आ रही है तो कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन होने वाला है। चलिए बात करते हैं टॉप परफॉर्मर के इस मुकाबले में, मेरे अकॉर्डिंग शिखर धवन अगर खेलते हैं तो वो अच्छा कैसे बैटिंग कर सकते हैं। इसके बाद ईशान किशन, रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, कैमरन ग्रीन और सिकंदर रजा भट्ट अगर खेलते हैं तो ये भी अच्छे खासी बैटिंग करने वाले हैं। और इसके बाद एक और खिलाड़ी यदि मैं कहना चाहूं तो सैम करन को पिक करने वाला हूं, इनकी भी आज प्रदर्शन अच्छे खासे पॉइंट्स आपको दे सकते हैं। चलिए बात करते हैं मैच विनर की, लेकिन एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं कि हमारे आप टेलीग्राम पे नहीं हो तो पहला काम सिर्फ आपको ये करना है कि टेलीग्राम को फटाफट जाके ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम पे आप जाके देखिए, लगातार आपको जैकपॉट एंट्री दे रहा हूं, लगातार मैचेस पास दे रहा हूं, लगातार प्रॉफिट आपको हो रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा टारगेट है कि पूरे आईपीएल में 100K सब्सक्राइबर हमारे करना है, आपको ही करना है। फटाफट शेयर कर दे चैनल को, 2 से 3 बार फुल वॉच करिए वीडियो को और साथ ही वीडियो को लाइक भी करते जाइए। तो चलिए बात करते हैं मैच विनर की, मेरे अकॉर्डिंग ये मैच भी थोड़ा ठीक ठाक होने वाला है, बट फिर भी होम टीम यानी कि मुंबई इंडियंस इस मुकाबले को जीतने वाली है। जैसा मैंने प्रेडिक्शन दिया था पहले वाले मैच में कि होम टीम हारेगी, यानी कि लखनऊ हारेगी, गुजरात जीतेगी आज के मैच में जो दोपहर को होगा, और आज कह रहा हूँ शाम को कि मुंबई जीतेगी और शायद पंजाब फिर से इस मुकाबले को हार सकती है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, धन्यवाद।